आप लोग मंदिर देख सकते हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत में बनाया गया है। देखिए कितना बनावटी, इतना सुंदर है। हेलो दोस्तों, इंडिया टूर मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। कल यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं, तो आज आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं चलेंगे अंदर अभी हम लोग, आप लोगों को पूरा मंदिर का दृश्य दिखाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग चल रहे हैं अंदर, अभी फिलहाल में गेट के अंदर चलेंगे। सामने मंदिर वहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, यही है स्वर्वेद महामंदिर। और देखिए यहाँ पे गेट लगाया भी गया है 200 मीटर के दूरी पर, यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल में अभी चलेंगे हम लोग अंदर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो रोड है, और अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है, तो रोड बन रहा है। देख तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फाइनली देखिए आ चुके हैं, अब देखिए अंदर चलेंगे फिलहाल में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वाहन लेकर नहीं जा सकते हैं अंदर, लेकिन हम परमिशन लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। अभी देखिए हम लोग फर्स्ट गेट पे हैं, अभी सामने देख सकते हैं हम लोग। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट गेट से एंट्री कर चुके हैं। अब मंदिर इस समय देखिए हम लोग के सामने दिख रहा है। अभी देखिए हम लोग मंदिर के बाहर जो बाउंड्री लगा है उसके बाहर हम लोग अभी चल रहे हैं, अभी चलेंगे हम लोग गेट पर। देखिए हम लोग फर्स्ट गेट पर आ चुके हैं, इसमें 3 गेट लगाया गया है, अभी आगे जाएंगे तो और गेट है। देखिए हम लोग फर्स्ट गेट से यहाँ पे एंट्री करेंगे। अभी देखिए कल माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, इसलिए यहाँ पे अंदर जाना एकदम सख्त मना है, क्योंकि देखिए प्रशासन लगी हुई है और अंदर जाने नहीं दे रही है। हम तो जाएंगे ही क्योंकि हम प्रेस वाले हैं, क्योंकि हमको कोई मना नहीं कर सकता है। अभी देखिए हम परमिशन लेंगे, यहाँ के जो माननीय उच्च लोग होंगे उनसे परमिशन लेकर हम लोग चलेंगे अभी अंदर। देखिए हम अभी अंदर आ चुके हैं और परमिशन मुझे मिल भी गया है, तो हम चलेंगे अब अंदर, आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। देखिए मंदिर का विहंगम दृश्य आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी देखिए हम लोग चल रहे हैं, अभी सामने फ्रंट पे चलेंगे, और देखिए मंदिर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और कल इसका माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, इस मंदिर का, स्वर्वेद महामंदिर धाम का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे स्वर्वेद मंदिर देखने के लिए, और कल मोदी जी का आगमन होने वाला है यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इस समय फिलहाल में मंदिर का, जो सामने से आप लोग को फ्रंट दिखा रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर दिख रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर है। हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर विश्वकर्मा, आज देखिए हम आए हैं स्वर्वेद महामंदिर। आज आप लोग देख सकते हैं पीछे जो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं स्वर्वेद महामंदिर का, कल यहाँ पे उद्घाटन होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी जनता लोग लगे हुए हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों इस समय कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और यहाँ पे कल नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ फिलहाल में स्वर्वेद महामंदिर धाम का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, बने रहिएगा मेरे वीडियो में अभी तक। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ अगर हम लोग घुमाते हैं कैमरा तो कुछ इस तरह से नज़र आता है यह स्वर्वेद महामंदिर धाम, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। दोस्तों गजब का सीन है यहाँ का। कल पीएम नरेंद्र मोदी जी का आगमन यहाँ पे होने वाला है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होगा। आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर जो कि इतना सुंदर बनाया गया है,
समझ लीजिए हमारे पूरे सोनभद्र में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है और मान लीजिए हमारे यूपी में भी कहीं नहीं है। तो इतना बड़ा मंदिर जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं कल यहाँ पे इसका उद्घाटन होने वाला है। इस मंदिर का इसका कार्यक्रम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को आज यहाँ का पूरा वीडियो दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इतना सुंदर बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पानी जो फुहारा, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और देखिए यहाँ पे हाथी, देखिए कितना बनावटी ना सुंदर है, समझ लीजिए आप लोग देख सकते हैं। ये हाथी जो बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं पूरे गजब का बनावटी, यहाँ पे जो कलाकार इसको जो बनाने वाला होगा बहुत ही सुंदर बनाया है, समझ लीजिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस मंदिर का जितना भी डिजाइन और कढ़ाई किया गया है और जितना भी समझ लीजिए यहाँ पे बनाया गया है, सब जितना डिजाइन दिया गया है पूरे समझ लीजिए राजस्थान के लोग यहाँ पर आकर इसको बनाए हैं। और इसको समझ लीजिए 23 साल लगा है इसको बनाने में, अभी तक मंदिर समझ लीजिए इसका कंप्लीट नहीं हुआ है बनकर। अभी समझ लीजिए अंदर इसका पूरा काम बाकी है, अभी इसमें 5 साल और लगेगा उसके बाद ही यह मंदिर सक्सेस होगा। 5 साल बाद आएंगे उसके बाद देखिएगा मंदिर का और ही डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ का जो भव्य मंदिर बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं गजब की खूबसूरती है और नज़ारा यहाँ का तो कहिए मत कि कितना सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं जो बनावटी है इतना सुंदर बनाया गया है कि समझ लीजिए गजब का सीन है। आज आप लोगों को चारों तरफ से दिखाएंगे, अंदर कोशिश करेंगे जाने के लिए, देखिए प्रवेश एंट्री होता है कि नहीं। दोस्तों आप लोग को बाहर से ही नज़ारा दिखा दे रहे हैं क्योंकि अभी अंदर काम चल रहा है, समझ लीजिए कहीं हादसा हो सकता है तो इसलिए अभी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं हो रहा है कि अंदर भी मत जाइए, अभी काम चल रहा है तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, अभी बाहर से ही पूरा आप लोग को मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग देखिए दूसरे गेट पे हैं, अभी देखिए हैं 4 गेट बनाया गया है, ऐसा ही 4 गेट है चारों तरफ मंदिर के। आप लोग मंदिर देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत में बनाया गया है और गजब का भव्य मंदिर है। जो मंदिर की प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं ये पूरे गोल में बनाया गया है और इसकी सुंदरता तो समझ लीजिए कहे तो कोई बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि गजब का क्वालिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ बनाया गया है, कल इसका उद्घाटन होने वाला है, कल माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होगा इसका। बहुत ही भव्य बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं गजब का सीन है। और पीछे से देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी फ़िलहाल में चलेंगे हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। और देखिए इस मंदिर का जो भी ढांचा है गजब का है भाई साहब, मानना पड़ेगा ऐसा मंदिर हम लोग पहली बार ही घूम रहे हैं फिलहाल में। हमारे यूपी में समझ लीजिए सबसे नंबर 1 पे ये मंदिर जाएगा, इसमें ट्रेंडिंग पे चल रहा है स्वरवेद मंदिर। इसमें देखिए लिफ्ट का भी व्यवस्था किया जा रहा है, अभी फिलहाल में अंदर जाने के लिए मना है। अगला पार्ट आगे दिखाऊंगा दोस्तों, तब तक के लिए जय।